आसनसोल के काली पहाड़ी के पास नेशनल हाईवे 19 के किनारे स्थित डंपिंग ग्राउंड में आग लग गई। भीषण गर्मी और लू के साथ तेज हवाएं चल रही है, जिस कारण डंपिंग ग्राउंड में लगी आग तेजी से फैल रही है। नतीजतन डंपिंग ग्राउंड में भीतर ही भीतर आग सुलग रही है और वहां से निकल रहा धुआं चारों तरफ फैल गया है और इस वजह से नेशनल हाईवे पर यातायात कर रहे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसनसोल के काली पहाड़ी के पास नेशनल हाईवे 19 के किनारे स्थित डंपिंग ग्राउंड में आग लग गई। भीषण गर्मी एवं लू के साथ तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से डंपिंग ग्राउंड में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि डंपिंग ग्राउंड में भीतर ही भीतर आग सुलग रही है और वहां से निकल रहा धुआं चारों तरफ फैल गया है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर आवाजाही करने में वाहन चालकों के साथ साथ आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। दरअसल डंपिंग ग्राउंड से निकल रहा धुआं चारों तरफ फैल गया है, जिधर नजर जाए उधर सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। बताया जाता है कि आसनसोल नगर निगम के विभिन्न वार्डों से निकलने वाले कूड़े कचरे को काली पहाड़ी के पास स्थित डंपिंग ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। मंगलवार दोपहर डंपिंग ग्राउंड में जाकर देखा गया कि कूड़े कचरे के ढेर में आग लग गई है। आग तेजी से फैलती जा रही है और वहां से निकल रहे धुएं के चारों तरफ फैलने के कारण नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा है। धुएं के कारण दृश्यता इस कदर कम हो गई है कि वाहन चालकों को दुर्घटना की आशंका सता रही है। इस विषय को लेकर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि भीषण गर्मी के वजह से आग लगने की घटनाएं घट रही हैं। डंपिंग ग्राउंड में आग लगने की घटना के बारे में जानकारी मिली है और आसनसोल नगर निगम की टीम वहां भेजी गई है। उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रचंड गरम पड़े चारिदी आग लगे जा ফলে আমাদের কর্পোরেশনের তরফ থেকে অলরেডি গেছে ওখানে, যে গিয়ে যাতে তাড়াতাড়ির মধ্যে করা যায় তার ব্যবস্থা করছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বিগত 37 বছর ধরে ফার্নিচার জগতে আপনাদের ভরসায় একটাই নাম, রাজেশ ফার্নিচার। এবার নবরূপে নবসাজে গণপতি ফার্নিচার, যেখানে আপনারা পাবেন ফিলেক্স, সেলো, এসপিপিএল, কার্লন ইত্যাদি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির বাড়ি এবং অফিসের সমস্ত ফার্নিচার। এর সাথেই গণপতি ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারের স্পেশালাইজে আছে স্টিল ডোমেস্টিক আলমিরা, স্টিল অফিস আলমিরা, অফিস টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, ভিজিটার্স চেয়ার, উডেন বেড, ইঞ্জিনিয়ারিং উড ফার্নিচার ও আরো অনেক কিছু। এর সঙ্গে গণপতি ফার্নিচারে পাবেন ইএমআই এর সুবিধাও। যোগাযোগ করুন এনএসপি রোড, রানীগঞ্জ, আনন্দলোক বাস স্টপের নিকট। ফোন নম্বর 7602363191, 9333100564।